हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड योगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल लेके आई हूँ। इसे आप एनी टाइम खिला सकते हैं और सावन में भी खिला सकते हैं, क्योंकि सावन में हरे हरे चीज़ों को यूज़ होता है ना। इसलिए देखिए, मैंने इसमें ग्रीन चूड़िया ली है और ग्रीन ये पाइप लिया है। आप पाइप की जगह, स्ट्रॉ की जगह आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रॉ लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे दो ग्लास लिया है। ये दोनों ग्लास है, आप चाहे स्टील के लिए चाहे कांच के लिए, सेम साइज की होनी चाहिए, हाइट एकदम इनकी बराबर होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉइन्स लिए हुए हैं। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये गेम किस तरीके से खेलना है। तो फ्रेंड, जैसे ही 1 मिनट टाइम स्टार्ट होगा, 1 मिनट गेम है ये, जैसे ही 1 मिनट टाइम स्टार्ट होगा तो क्या करना है, खेलने वाले को आएगा खेलने वाला और ऐसे दो ग्लासों को आप ना इसको ऐसे बल्कि चूड़ी में ऐसे कर दीजिए। चूड़ियाँ ना आप ऐसे चौड़ी की जगह ना ऐसे पतली वाली लीजिए, चौड़ी चूड़ियाँ मत लीजिएगा, ऐसे पतली चूड़ियाँ ही लीजिएगा। तो जो बल्कि इनको ना ऐसे चूड़ी के अंदर सेट करके रख दीजिए, उससे क्या है कि जो खेलने आएगा वो इन्हें यहाँ से वहाँ ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो देखिए, मैं ना ग्लास को इसमें कर देती हूँ, क्योंकि खेलते खेलते ग्लास इधर से उधर डिस्टर्ब भी हो जाती है और कई लोग उसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो आप एक मार्क भी बना सकते हैं कि इसी मार्क पे ही ये ग्लास रहेगी। तो जो भी खेलने आएगा ना, ग्लासें देखिए आपकी ऐसी रखी है, उसे आना है, उसे क्या करना है, ये स्ट्रॉ लेना है, दो स्ट्रॉ लेना है, दो चूड़ियाँ लेना है और इनमें ऐसे डालना है और डाल के फिर इसमें ऐसे रख देना है। हमें क्या करना है, झूला बनाना है। सावन में आपने देखा होगा, सावन के झूले पड़े, सावन में झूले का कितना महत्व होता है, सब झूला झूलते हैं। तो ये मैंने स्पेशली सावन के लिए ही गेम बनाया हुआ है, पर आप इसे एनी टाइम खेल सकते हैं। तो देखिए, इसे ऐसे सेट करना है और चूड़ियों को भी इसमें सेट करना है। ये 1 मिनट गेम है, ये सारा काम हमें 1 मिनट के अंदर करना है। अब क्या करना है, इन झूलों में ना हमें कॉइन को रखना है। अब इसे एक ही हाथ से रखना है, आपको दोनों हाथ का यूज नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें कॉइन को बैलेंस करना है। तो 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा कॉइन इसमें बैलेंस कर लेगा ना, वो गेम का विनर हो जाएगा। तो आप इसमें ये मत रखिए कि 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये का अमाउंट वाला मत रखिए, क्योंकि फिर हर कोई बड़ा वाला ही अमाउंट रखेगा। इसमें हमें रखना है कि कितने सिक्के आप रख सकते हैं। देखिए, मैंने एक सिक्का रखा, अब मैं देखती हूँ कि एक सिक्के ये देखिए गिर गया। फ्रेंड, ये ईजी दिखता है गेम, लेकिन गेम कोई ईजी होता नहीं है। तो बस इसी में एक तरीके से 1 मिनट तक हमें इसी तरीके से सिक्के इसमें रखते जाना है। तो जो सबसे ज्यादा सिक्के रख लेगा ना, वो गेम का विनर हो जाएगा। ये देखिए, मैं खेलती हूँ, 2 सिक्के हो गया। 1 मिनट गेम है, कितना सिक्का जाएगा पता नहीं। ये देखिए, बहुत ही हल्के से रखना है, लकी बात है। देखिए, मैंने अभी तक 3 सिक्के रख लिए हैं, तो अभी तक नहीं गिरा, लेकिन हो सकता है गिर भी जाए। ये देखिए, 4 सिक्के हो गए हैं। तो उतने ही वही सिक्के को काउंट किया जाएगा जो इस चूड़ी पे बैलेंस किए हुए हैं। आप स्ट्रॉ की जगह ना पेंसिल का यूज करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रॉ थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और पेंसिल क्या होता है, हार्ड होता है, यहाँ वहां जल्दी नहीं हिलता है। 5 सिक्के होंगे। मैं चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर दूंगी, कि अगर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा, तो मैं रुक सकती हूँ कि भाई मैं इतने ही डालूंगी, इसके बाद मैं नहीं डालूंगी, कि क्या मालूम ज्यादा लालच के चक्कर में ये भी निकल जाए। फ्रेंड देखिए, अभी तो मेरा आ गया है, तो बस मैं अब यहीं पे स्टॉप करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि अब मेरे को नहीं लग रहा कि मैं नेक्स्ट सिक्का डालूंगी और ये गिरे ना, तो मैं इतने में ही क्विट करके वेट कर सकती हूँ। तो जो सबसे ज्यादा इन झूलों में अपने सिक्के जमा के रखा रहेगा ना, उस गेम का विनर हो जाएगा। तो है ना, एकदम पेशेंस और इंटरेस्टिंग गेम, और ये जरूर लोगों की हार्ट बीट भी बढ़ा देगा। तो बस देखिए, इसी तरीके से सिक्के रखते जाने हैं और गेम खेलते जाना है। वाह, मेरे तो बहुत सारे हो गए, ये देखिए सब गिर गया। देखा, लालच बुरी बलाई इसी को बोलते हैं। एक आखिरी सिक्का और रखने के चक्कर में मेरे सब गिर गए। तो 1 मिनट में जिसके सिक्के इसमें रहेंगे उतने ही सिक्के हम काउंट करेंगे। तो गेम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।